बचपन से ही नशे के अंधकार में डूबे हुए कुछ नोनिहालों की जिंदगी अब कुछ युवा मिलकर शिक्षा का उजाला करने में जुटे हुए हैं। इंदौर के भीलपट्टन इलाके में आज से अनार आज से आम दोहराते इन बच्चों में से अधिकांश ऐसे हैं जिनमें से अधिकांश के ना केवल पिता शराबी हैं बल्कि माताएं भी शराब के नशे में डूबी रहती हैं। ऐसे में इन बच्चों को नशाखोरी भी विरासत में मिली। नतीजतन होश संभालते ही इनमें से कुछ को शराब की लत पड़ गई तो कुछ वाइटनर पेट्रोल और थीनर जैसे घातक केमिकल सूंघने के शौकीन बन गए। इस बीच शहर के अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े युवाओं को इन बच्चों की पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों का भविष्य बर्बाद होते दिखा तो सभी ने मिलकर अपनी इंटर्नशिप के दौरान कुछ और न करके इन्हें पढ़ाने का फैसला लिया। इसके बाद सभी ने मिलकर भीलपट्टन में मौजूद प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया जो स्थानीय शिक्षकों और स्कूल प्रभारी की सहमति से मिलकर शिक्षकों के साथ इस स्कूल में पढ़ाने में जुटे हैं। नए और रोचक तरीके से पढ़ाई के कारण धीरे धीरे स्कूल में पंजीकृत अब सभी बच्चे पढ़ने में आगे हैं। पहले तो इन्हें मतलब स्कूल ही नहीं आते थे, स्कूल आते भी थे तो इन पे ध्यान ही दिया जाता था जिसके कारण इनको अनाराम से लेकर मतलब कुछ भी नहीं होता था। अब है तो ये लोग स्कूल आते हैं, स्कूल के प्रति इनकी जागरूकता थोड़ी बड़ी है और स्कूल में मतलब अनाराम या ABCD इनको नॉर्मली जो रहती बेसिक चीजें वो थोड़ी थोड़ी आने लगी है। संस्था के अध्यक्ष गौतम जाट का कहना है चीन में काफी टैलेंटेड बच्चे भी मौजूद है, बस आवश्यकता थी उन्हें स्कूल तक लाने की और उनके टैलेंट को निखारने की। कुछ बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं तो कुछ का डांस बहुत शानदार है क्योंकि दिमाग से काफी तेज है तो कोई खेल के मैदान का माहिर खिलाड़ी भी है। एक हमारी पूरी टीम 20-25 लोगों की जिनमें कुछ इंजीनियर है, कोई डॉक्टर, लगभग सभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उन सब बच्चों ने सोचा कि हमें एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा के प्रति जागरूकता लानी चाहिए और सभी की एक भूमिका होनी चाहिए कि एक नए राष्ट्र के निर्माण में किस तरह हमारी भूमिका निभा सके, तो ऐसे बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। तो यहाँ का जो विद्यालय का प्रशासन है, टीचर है, उन लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा और उनके साथ मिलकर हम सभी लोगों ने यहाँ पढ़ाने का काम स्टार्ट किया और हम चाहते हैं कि शिक्षा हर एक बच्चे तक पहुँचे। यहाँ के अधिकतर बच्चे जो है कि वाइटनर और पेट्रोल सूंघते थे, इस तरह का नशा जो जानलेवा पदार्थ है उसका उपयोग करते थे, लेकिन यहाँ के टीचरों ने या टीम ने सबने प्रयास किया कि बच्चे स्कूल आए और स्कूल के साथ ही जब लगा कि हाँ बच्चों में सुधार आने लगा है तो कहीं ना वाइटनर या नशे के लिए छूट कर अब कहीं ना कहीं सही दिशा में जा रहे हैं। तो ये बच्चों का हम चाहते हैं कि भारत का एक भविष्य है, एक जो इसका एक सही डेवलप हो, एक सही निर्माण हो एक भारत के भविष्य में। तो अब बहुत अच्छी खुशी की बात है कि जो बच्चे पहले 104 बच्चे एनरोल थे अब वो स्कूल भी आने लगे हैं और स्कूल के साथ ही अब बहुत अच्छी पढ़ाई भी करने लगे हैं। लिहाजा स्कूल का आलम यह है कि जो बच्चे नशाखोरी में लिप्त थे वह भी अन्य बच्चों के साथ आज से आम आज से अनार दोहरा रहे हैं जिसे लेकर युवाओं का ग्रुप खासा उत्साहित है।